हे एवरीवन, दिस इज लखन और आज के इस वीडियो में आपको आर्मी गर्ल्स भर्ती 2021 के बारे में सारी की सारी अपडेट दूंगा। लाइक और सब्सक्राइब को मारना गोरी, लेकिन वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक पूरा पूरा जरूर देखिएगा। बात करते हैं यहाँ पर कि भाई क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। तो दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले आपका फिजिकल होता है, और फिजिकल को जैसे ही आप लोग क्रैक कर लेते हो तो उसके बाद में आपका रिटर्न एग्जाम होता है, जिसे CEE यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, उसको अगर आप क्रैक कर लेते हो तो उसके बाद में आपका मेडिकल होता है, और मेडिकल कंप्लीट यानी मेडिकल के बाद में आपकी कट ऑफ निकलती है, तो उसको अगर आप क्रैक कर लेते हो ना, कट ऑफ के अंदर अच्छे मार्क है आपके, तो आपको वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, उसके बाद में फाइनल कट ऑफ, और उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग यानी ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस रहता है, ये किसके लिए, गर्ल्स जनरल ड्यूटी यानी जनरल ड्यूटी के लिए ही गर्ल्स को लगाया जाता है, ठीक है, तो उन्हीं के लिए अपडेट है, ठीक। अब इसके बाद में बात आती है कि भाई एज लिमिट क्या है, ठीक। तो एज लिमिट 17.5 से 21 साल एज लिमिट रखी जाती है। जब आपकी भर्ती निकलेगी उसमें नोटिफिकेशन में बता दिया जाएगा कि कब से कब तक जो आपकी BOD यानी बर्थ ऑफ डेथ सम्मिलित की जाएगी, ठीक है। इसके बाद में बात आती है कि भाई फिजिकल क्राइटेरिया क्या क्या रहता है। तो दोस्तों, फिजिकल की बात करें ना, तो फिजिकल के अंदर आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक। अब बात आती है वेट की, कि भाई वेट, तो वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, हाइट और एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। गर्ल्स अलग अलग है कि भाई उनकी, अब किसी की एज अलग है और हाइट अलग है, तो सबके लिए यहाँ पर पूरी पॉर्बिडेट नहीं दे पाऊंगा। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके फॉलो करके मैसेज अपनी एज और हाइट वहां पर मैसेज कर देना, तो मैं वहां पर इंस्टेंट रिप्लाई दे दूंगा, बिना किसी झिझक के आपका भाई आपको सारी सारी अपडेट देगा, ठीक है। इसके बाद में बात आती है दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों, आपको 10th स्टैंडर्ड क्लियर किया होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ में जो 10वीं के अंदर आपके 45 से एबो परसेंटेज बने हुए होने चाहिए, और सभी सब्जेक्ट अलग अलग, अगर सब्जेक्ट की बात करना तो सबमें 33% से एबो परसेंटेज बने हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक सब्जेक्ट में 33 से कम हो गए तो आप लोग एग्जाम नहीं दे पाएंगे, और मिनिमम यही मांगा जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएंगी। बहुत सारी गर्ल्स है, वो सब क्लियर हो जाएगी, एक दो कोई बस एक ही पता नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी सारी अपडेट मिल गई होगी, फिर भी कोई छोटा मोटा डाउट रह जाता है तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है, जाके फॉलो करके मैसेज डाल देना, आपका भाई आपको वहाँ पर इंस्टेंट रिप्लाई देगा। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जो इससे रिलेटेड और भी अपडेट आएगी तो आपको दे दूंगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे उनकी भी हेल्प हो। तो दोस्त, मिलते हैं इस वीडियो के साथ। जय हिंद, जय।